हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर नंबर 12, एसएचएम एससी वर्मा। द लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर मूव्स एट ए स्पीड वी टुवर्ड्स द राइट ब्लॉक प्लेस्ड इन द इक्विलिब्रियम। ऑल द कोलिजन टू बी टेक प्लेस आर इलास्टिक एंड द सरफेसेस आर द फ्रिक्शनलेस। शो दैट द मोशन ऑफ द टू ब्लॉक्स आर पीरियोडिक। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन। Neglect the width of the blocks. Hello guys, तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक ये लेफ्ट ब्लॉक है, ये राइट ब्लॉक है, ठीक है। ये लेफ्ट ब्लॉक चलता आ रहा है और आके इसके साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। तो ये कहता है कि कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। कैसा कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो उस कोलिजन से क्या होने वाला है, इसके पास क्या आएगा, दैट विल बी एक एनर्जी, दैट विल पीछे जाएगा। तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। किसको देगा ये, इधर आके काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या करेगी कोलिजन, तो बारी बारी होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा करते हैं, हो क्या रहा है, ये मास इधर गया, ठीक है। इसने किसको किया, इसके साथ कोलाइड किया, इसके पास क्या आई पोटेंशियल एनर्जी। ये पीछे गया, पीछे हटके दोबारा इसके पास आया और इसको मारा, ये दोबारा गया, दीवार के साथ कोलाइड हुआ, इसको दोबारा कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो कहता है कि ये क्या हो गया, एक SHN, ये देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये अपना जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो पूरी बॉडी, ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, SHN में, ठीक है। ध्यान से, ये जा रहा है इधर, इसके साथ कोलाइड हुआ, ठीक है। कोलाइड होकर इसको पीछे धकेला, ये आगे आया और इसने इसको वापस धकेला। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है, ये SHM हो रहा है, ठीक है। तो कहता है इस SHM का मुझे क्या निकालना है, आपको टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड अगर देखें तो हो क्या रहा है सिचुएशन, सही है। ध्यान से, पहले क्या हुआ, ये मास ने इसको आके क्या मारा, हिट किया, ठीक है। हिट किया तो ये कहां चला गया, पीछे गया। सपोज कितना पीछे गया, एक्स पीछे गया, कितना पीछे गया, एक्स पीछे गया, ठीक है। एक्सिस के अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं हम के, कितना मान लेते हैं एक बारी, के, सही है। तो ये कितना पीछे गया, के पीछे गया, ये जाकर वहीं बैठ गया। क्यों बैठ गया, क्योंकि कोलिजन क्या है, इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाना। क्या हो जाना, वेलोसिटी एक्सचेंज, मतलब ये रुका हुआ था, ये चल रहा था कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। जब कोलिजन हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, कितनी होगी, v, और इसकी कितनी होगी, जीरो। ये रुक जाएगा जहां पर कोलिजन होगा और ये चल पड़ेगा कहां पे, पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, v वेलोसिटी से पीछे जाएगा, तो उस वेलोसिटी से क्या बनाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से दोबारा क्या बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन से क्या हुआ, वेलोसिटी एक्सचेंज हुई, ठीक है। वेलोसिटी क्या हुई, एक्सचेंज। इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। तो अगर ए की वेलोसिटी कितनी थी, वी, तो ये कितनी हो गई, जीरो, और बी की वेलोसिटी जीरो थी तो वो कितनी हो गई, वी, सही है। तो ये कहां गया, पीछे गया, ठीक है। तो ये कहां गया, अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे आ गया, एक्सट्रीम पोजिशन से मीन पोजिशन पे आया, तो यहां पर कौन बैठा था, ए बैठा था। तो इसकी टक्कर किसके साथ हुई, ए के साथ। तो ये वहीं का वहीं रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि दोबारा क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होने से क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी v थी तो इसने वापस किसको दे दी, a को, ठीक है। तो ये पूरा ऑसिलेशन तो कर ही नहीं पाया, कितना ऑसिलेशन हुआ इसका, पीछे गया, मीन पोजीशन पे आकर रुक गया, सही है। पीछे गया और मीन पोजीशन पर आकर रुक गया, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे आकर रुकने के मतलब क्या है, इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, आधा ही हुआ। क्यों, क्या होना चाहिए था, पीछे गया, मीन पोजीशन पे आया, फिर कहां जाना था, एक्सट्रीम पे जाना था, फिर कहां पे आना था, मीन पे। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, मीन से आगे बढ़ता पहले क्या हो गया, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ये रुके हुए के साथ टकराया तो इसने सारी वेलोसिटी किसको दे दी, रुके हुए को, और रुके हुए की वेलोसिटी खुद ले ली, ठीक है। तो इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो ये वहीं का वहीं रुक गया, सही है। तो अब अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूं, तो बी ब्लॉक क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो SHM के अंदर है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। लेकिन ये तो हाफ ही हुआ, कितना टाइम पीरियड लगा इसको, हाफ। तो ये कितना हुआ, दैट विल बी पाई अंडर रूट एम बाई के, सही है। तो ये टाइम पीरियड किसका आ गया मेरे पास, बी ब्लॉक का आ गया। किसका आ गया, बी ब्लॉक का। क्यों हुआ हाफ, क्योंकि
इलास्टिक कोलिजन की वजह से ये वहीं रुक गया और इसने अपनी सारी वेलोसिटी किसको दे दी, ए को, ठीक है। ओके, एक बात तो समझ आ गई। ओके, अब ये कितना गया, ए इसको टक्कर हुई तो ये वी वेलोसिटी से इस तरफ भागा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, एल। यहां पे वॉल के साथ दोबारा क्या हुआ, कोलिजन हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो क्या हुआ, भागा उस तरफ, सही है, कोलिजन करके क्या हुआ, भागा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया। तो जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, एल, आते हुए डिस्टेंस कवर कितना किया, एल, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, ठीक है। तो मुझे पता है डिस्टेंस वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस बाय टी, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना होता है, दैट विल बी डिस्टेंस बाय जो भी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है, दैट विल बी 2L, वेलोसिटी कितना है, v, तो b का टाइम पीरियड कितना है, a का टाइम पीरियड कितना है, 2L बाय उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये उसका टाइम पीरियड है a का, ये किसका टाइम पीरियड है, b का, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास शायद पूरा ही टाइम पीरियड आ जाएगा, कितना है, दैट विल बी पाई अंडर रूट m बाय k प्लस 2L बाय v, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन फॉर द क्वेश्चन। ओके, और यही पूछा है ना, बस इतना ही है, ठीक है। दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ कि ए वाले भैया इधर गए, ठीक है, उन्होंने किसी रुकी हुई चीज के साथ टक्कर मारी, बी की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, इसकी बी थी, जैसे कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, एक वहीं का वहीं रुक गया, जैसे जब कोलिजन हुआ बी चल पड़ा, बी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, जिससे उसने क्या बनाई, पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल से क्या बनाया, काइनेटिक, एसएचएम में तो आ गया, लेकिन पूरा एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि पहले ही मीन पोजीशन पे आते ही क्या हो गया, दोबारा कोलिजन हो गया, कोलिजन होते ही ए चल पड़ा और बी वहीं रुक गया, क्योंकि कोलिजन कौन सा था, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो आधा ओसिलेशन कर पाया, क्या कर पाया, आधा ओसिलेशन, ठीक है, कहां गया, पीछे से आया, पीछे गया और कहां पे, मीन पोजीशन पर आकर वापस रुक गया, इधर गया ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो हाफ टाइम पीरियड कर दिया मैंने, कितना आ गया, ये किसका आ गया मेरे पास, बी का। ओके, ए वाले भैया तो क्या कर रहे हैं, ऐसे ओसिलेट कर रहे हैं, जाते हैं दीवार के साथ टक्कर खाते हैं और वापस यहां आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, क्योंकि सरफेस कौन सा है, फ्रिक्शनलेस है, कोई उसका चक्कर ही नहीं है, वेलोसिटी कितनी रहनी है उसकी, सेम रहनी है। तो एल जाना और एल आना, ठीक है, ये दो कार्रवाई करता है ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 2L, और कितनी वेलोसिटी से करता है, v, तो उसका हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड, ठीक है। और दोनों टाइम पीरियड को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और मेरे पास ये आंसर आ गया, दैट विल बी पाई अंडर रूट m बाय k प्लस 2L बाय v। सो क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होगा, फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क फ्रीली, ट्राई टू हेल्प यू। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, please subscribe the channel and like the video. Thank you.